और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें है ऑलवेज में, नो द प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज इसे अरबिक में कायदा है अल अहम फल मुहिम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस और अहमियत के मुताबिक। क्या आपको पता है, अगर आप अपनी जिंदगी का जायजा लोगे तो हमारी जिंदगी के अंदर 20% ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से 80% रिजल्ट्स आते हैं। आप 20% ऐसी चीजें कर रहे होते हो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर 80% इफेक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं। आपकी पढ़ाई के अंदर भी 20% ऐसा इल्म होता है जो कोर इल्म होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इल्म होगा, और वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर 80% बिल्ड हो रहा है उसी बेसिस पर। उसी तरह बिजनेस के अंदर 20% कस्टमर्स से 80% बिजनेस आता है। जो जॉब कर रहा है तो उसके काम के अंदर 20% ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से 80% रिजल्ट्स पैदा होते हैं। फैमिली लाइफ के अंदर आपकी जो भी वैल्यू है, आप 20% कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से 80% आपके रिजल्ट्स पैदा होते हैं। ये 20-80 का प्रिंसिपल आप देख सकते हो यूनिवर्सली। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर जो अकीदा है, ईमान है, बिलीफ है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो भले ही छोटा हिस्सा है, लेकिन वो आपने सही लर्न किया तो आपकी रेस्ट ऑफ योर इस्लाम विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ योर बिलीफ। आपके बिलीफ स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये कोई चीज जो 20-80 जरूरी नहीं एग्जैक्ट 20 और 80 हो। इसमें बोलने की बात क्या है, एक माइनॉरिटी चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से मेजॉरिटी इफेक्ट पैदा होता है। तो पढ़ाई के अंदर सवाल यह है कि वो 20% क्या है, आइडेंटिफाई करना। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका दिल कहां है, उसका कोर कहां है, कौन सी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये चीज है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आपने समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट को कैच कर लिया। देखिए क्या होता है कि कुछ होते हैं जो लोग टर्शरी तौर पर, पेरिफेरल तौर पर, साइड पे, बाउंड्री के, वो सब सब्जेक्ट्स को कैच करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, कोर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो कोर सब्जेक्ट है वो क्या है, ये एक ऐसी चीज है ना, आस्क अल्लाह टू हेल्प यू, और अपने आप को फोकस करके ये सोचें कि व्हाट इज द रियल सब्जेक्ट हियर, कहां है इसका कोर। जब कोई चीज, कोई भी सब्जेक्ट बात करो, जैसे मैं ये पूरा सेशन दे रहा हूं ना, इसके अंदर भी कोर है कहीं पर, इसका कोर है कहीं पर। कहां है कोर इसका, जेन्युइन इंटरेस्ट में है, वहां पे कोर है उसका। तो कोई कोर होता है, वो कोर को कैच कर लिए ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, जहां पे जिसने वो कोर को कैच कर लिया, अर्थ के अंदर भी जमीन में कोर है जो सेंटर है उसका, जो कोर होता है, जो बिल्कुल अहम पार्ट होता है, जिसने उसको कैच कर लिया, उसने उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत जल्दी मास्टरी कैच की। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यू कैन गो अहेड ऑफ 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, आप कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यू हैव टू बी वेरी काम, कंपोज्ड, थिंक एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द कोर। ये सब्जेक्ट के अंदर कौन से वो 20% है जिससे मेरे 80% रिजल्ट्स पैदा होने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। आप जो कुछ कर रहे हो जिंदगी में, बिजनेस के अंदर अगर आप वो 20% कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस कर लो तो आप अपने 80% वाले रिजल्ट्स बढ़ा सकते हो। पर्सनल लाइफ के अंदर कौन सी वो 20% चीजें हैं जिससे आपकी ज्यादा वैल्यू होगी, वो 20% चीजें सबसे अच्छी कर लो तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, तो हम यह देख रहे हैं कि ये माइनॉरिटी ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स पैदा होते हैं इवन इन इफेक्टिव लर्निंग, ये बहुत जरूरी है कि कौन सी वो कोर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अहमियत दे दो। हाँ, कौन सी वो चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसे दे दो। तो ये आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से स्टडी करना बहुत जरूरी है। दिस इज ऑलवेज का पॉइंट नंबर वन। ऑलवेज का पॉइंट नंबर वन क्या है, जिसे हम कहेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, या आप अगर याद रखने के लिए 80-20 रूल बोल दो, 80-20 रूल। जो 80-20 का रूल है वो रूल समझकर फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही एक अहम रूल है, जनरल लाइफ का एक बहुत अहम रूल है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बार बार जगह जगह पर देखा गया है। और अगर आप इस्लामिक साइंसेज में देखें तो जो स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज ने इस बात को पॉइंट आउट किया, उन्होंने एक रूल बताया अल अहम फल मुहिम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इब्नुल कय्यिम अल जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, ही सेज वलो इत्तसल उम्र लिमारिफतिल कुल कान हसन,
अगर ज़िंदगी इतनी लंबी होती कि सब कुछ सीख सकते थे तो ठीक था, अच्छा था। वलाकिन अल उम्रा कसीर, लेकिन ज़िंदगी तो छोटी है। फ़यम बगी ईसारुल अहम वल अफ़ज़ल, इसी वजह से ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा फजीलत, ज़्यादा वर्च्यूज़ और इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें पहले सीखना होगा। ज़िंदगी छोटी है, टाइम भी कम है हमारे पास, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, आगे बढ़ना है। और तो कौन सी वो अहम चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सबसे पहले, ये फर्स्ट पॉइंट है, याद रहेगा इंशाल्लाह। सिर्फ याद ही मत रखो, अपने नज़रिया बनाओ। यू शुड नो कौन सी वो चीज़ है। दुनिया के अंदर 20% लोग 80% लोगों पर असर डालते हैं, ये आप यूनिवर्सली देख सकते हैं, हर जगह पे देख सकते हैं। माइनॉरिटी से मेजॉरिटी रिजल्ट्स आते हैं, वो माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।